हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे आयुषी मिश्रा फूड ब्लॉग में। कैसे हैं फ्रेंड? आई थिंक अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। फ्रेंड, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे मैंने अपनी रेसिपी बनाई है। आज की हमारी रेसिपी है काले चने की घुघरी। नागपंचमी स्पेशल त्योहारों में बनाया जाता है। गार्निशिंग के लिए हम इसे प्याज रख लेंगे। आप नींबू या हरी मिर्ची के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है घुघरी हमारी। आज की हमारी रेसिपी है फ्रेंड काले चने की घुघरी। हम बनाएंगे नागपंचमी के दिन घुघरी बनती है, नाग देवता की पूजा होती है उस दिन। घुघरी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चना रात में ही भिगा दिया था, फूल के हमारा लगभग में दो कटोरी हो चुका है। इसको मैंने साफ पानी से दो तीन पानी धुल लिया है, धुल के छान लिया है। ये है हमारा प्याज, एक बड़ा छील के का प्याज काट लिया है। कुछ लहसुन की कलियां हैं, दो तीन हरी मिर्च है, इसको मैंने बीच से ही काट लिया है। आप चाहो जिस शेप में काट सकते हो। आधा चम्मच हमारा मेथी है, आधा चम्मच जीरा है, इसको हम अपने तड़के में डालेंगे। आधा चम्मच हमारा चाट मसाला है, आधा चम्मच हमारा गरम मसाला है, सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। एक कढ़ाई लिए हैं, उसमें हम सरसों का तेल डाले हैं। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम अपना जीरा डालेंगे, मेथी, सारा तड़का उसी में डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा और मेथी डाल देंगे। जीरा हमारा चटक गया, इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे। एक मिनट बाद में हम प्याज डालेंगे। एक मिनट हो चुके हैं, इसमें हम अपनी प्याज डालेंगे, कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल देंगे, इसको भी डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। दो मिनट इसको हम और पकाएंगे। दो मिनट हो चुका है, अब हम इसमें अपना चना डाल लेंगे, इसको भी हम डाल के मिक्स करेंगे। घुघरी को हम दो मिनट के लिए ढक देंगे, फिर दो मिनट बाद में चलाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं हमारे चने को, अब इसमें हम नमक डालेंगे आधा चम्मच के करीब। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं, इसको भी हम डाल के मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम में मीडियम ही रखना है। आप जैसे समझे उसे गैस की फ्लेम आप तेज कर सकती हैं, लेकिन अगर तेज रहेगा तो जल जाएगा नीचे से, घुघरी अच्छी नहीं बनेगी। इसको हम ढक देते हैं दो मिनट के लिए। इसको हम फिर से चला देते हैं, नीचे से पकड़े ना चना हमारा, अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे कि चना हमारा अच्छे से पक जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा ही पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही हमें ऐसे ही मीडियम रखना है। इसको हम ढक देंगे तब तक के लिए, पाँच मिनट बाद में फिर देखेंगे। पाँच मिनट हो गए हमारे चने को, अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, इसको भी हम डाल के मिक्स कर देंगे।
5 मिनट हो चुके हैं। हमारे चने को अभी से हम डालेंगे मैगी मसाला, थोड़ा सा डाल देंगे, आधा पैकेट की करीब। थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डाले हैं, इसको भी डाल के मिक्स कर देंगे। इसमें हम अपना चाट मसाला भी डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। चाट मसाला और मैगी मसाला डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, घुघरी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देते हैं। काले चले चने की घुघरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब एक प्लेट में हम सर्व करेंगे। इसी प्लेट में से हम सर्व कर लेंगे। फाइनली रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, काले चने की घुघरी। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, आप हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल का आप सपोर्ट करिए।